मैं अपने हाथों से करने जा रहा हूं। प्रेम तुम से किया
लक्ष्मण, तुम्हारा इतना स्नेह देख के तो ना बस ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी का सारा सुख पा लिया। ऐसा भाई हर घर घर में, जो अपने बड़े भाई को अपने पिता का दर्जा देकर उसकी आज्ञा का पालन करे। लक्ष्मण, अब तुम्हें जाना चाहिए, जाकर देखो कहीं सुग्रीव जी कोई और मुसीबत में ना हो। तो आ गया भैया, मैं अभी जाता हूँ, तो सुग्रीव को लाता हूँ। उनको निमंत्रण साथ ही बात करना और आदर सहित लेकर आना। जो आ गया भैया, जाओ लक्ष्मण जाओ। अब हमें अपने मित्र प्रभु श्री राम जी की सेवा में जाना चाहिए। अब तो ये वर्षा ऋतु भी चली गई, लेकिन मैं इस राज्य की खुशी में भूल गया कि हमें उनकी सेवा में भी जाना चाहिए। प्रणाम सुग्रीव जी। प्रणाम लक्ष्मण जी। सुग्रीव जी, आपकी हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे थे परशु ऋतु तक आ जाएंगे, लेकिन आप अभी तक नहीं पधारे। तो मुझे प्रभु श्री राम जी ने आपके पास भेजा है। लक्ष्मण जी, मैं शर्मिंदा हूं, मैं इस राज्य की खुशी में भोग विलास में खो गया। मैं अभी हनुमान जी से कह ही रहा था कि मैं उनके सामने कैसे जाऊं। हमने अलग अलग दिशाओं से सभी वानर सैनिक जथे बुला लिए हैं और हम कल ही इनको सभी दिशाओं में माता सीता जी की खोज में भेज देंगे। चलिए हम आपके साथ चलते हैं। हाँ तो सुग्रीव जी, मैं आपको साथ लेने के लिए ही आया हूँ। चलिए लक्ष्मण जी आइए। भुज याद आए
बहुत याद आए, वो जब याद आए जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब जब याद आए वो
बहुत श्रीमती रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी सारे दाने वीर का जो लड़के के ब्याह वास्ते दान भेजते हैं तो साढ़े अच्छे मुख मेहमान साहब पता नहीं ऐसी कौन सी बात है कि उन्होंने भी इतना समय लगा दिया। आओ लक्ष्मण मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। बहुत बहुत मुबारक सुधीर जी आपको किसकिस्ता का राज है बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब प्रभु आपकी ही मेहरबानी है मुझे क्षमा कीजिए प्रभु मैं राज्य के भोग विलास में खो गया था और अपने सेवा याद आई और मित्रता निभाने की बात याद आई तो उसी वक्त लक्ष्मण जी आए। कोई बात नहीं सुग्रीव जी मैं समझता हूं जब राज्य आपके हाथ में होता है ना तो बहुत सी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। आप आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। बस सुग्रीव जी अब हमारी सेना में से किसी को भी लंका की ओर भेजा जाए और सीता का कोई अता पता चले तो हमें पता लेकर बताया जाए। प्रभु हमने चारों दिशाओं में सेना को बोल भेज दिया है और लंका की तरफ श्री हनुमान जी को भेज दिए हैं। जैसा आप उचित समझे वही इस सेना के काबिल है। आप हनुमान जी को जल्दी से बोलो कि वहां जाकर मेरी सीता का पता पूछे। हनुमान जी आप शीघ्र जाइए और लंका में माता सीता जी का पता ढूंढिए। जो आज्ञा महाराज प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें। हनुमान जल्दी से जाओ और एक खुशखबरी लेकर आओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। प्रभु आप मुझे कोई निशानी दे दीजिए जो मैं माता सीता जी को दिखा सकूं। लक्ष्मण जब हनुमान जी जाए तो मेरी अंगूठी रखिए उतारकर कोई नहीं दे देना। प्रभु मैं ये निशानी माता सीता जी को दिखाऊंगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए मैं आपके चरणों का सेवक उनके पास आया हूं। हनुमान आप सही कहते हैं और आप सबसे बुद्धिमान हो। आप जल्दी जाओ और मेरी सीता का पता लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु जय श्री राम। मैंने भी अपने जीवन और गहने सब उतार कर रखे थे। जब सीता के पास कुछ नहीं तो राम क्या करता। इसीलिए मैंने ये लक्ष्मण से मंगवाकर आपको दे रहा हूं। बस यही सीता को दिखा देना मैं खुद ही खुद पहचान लेंगे। जो आ गया प्रभु। हनुमान जी आप शीघ्र ही माता सीता जी का पता लेकर आइए। जय श्री राम।
रहे नमा
शोक वाटिका में बना रहे हैं। मुझे आशा है कि तुमने उस दिन को छोड़कर कोई मेल नतीजा निकाला होगा। अरे ओ अधर्मी, ना जाने तेरा जहां से कब मौका ना होगा। प्यारी परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर कुछ तो रहम कर। अरे ओ जानी, जरा तू अपनी इन शक्तियों को कुछ कम कर। सीता, आखिर तू कब तक ये हठ निभाएगी? जब तक ये आत्मा इस शरीर से नहीं निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहां पर कदम नहीं रख सकते। अगर वो नहीं जहां आ सकते तो तुम मेरे लिए स्वर्ग के मार्ग तो नहीं बंद कर सकते। मुझे तो तुम्हारी इस दशा पर दया आ रही है। अरे ओ जालिम, बजाय मेरी दशा पे रहम करने से तुम खुद अपनी दशा सुधारो। आखिर मुझे इस तरह तेरा यह जनून नहीं निकलेगा। अरे ओ कायर, तेरी तो समर्थ्या ही क्या है, खुद परमेश्वर भी मेरे इरादे को नहीं बदल सकते। हुआ हूं मोहे में मारा, खुद ही को अपनी भुला भुला कर ना मारो संग दिल, ऐसे शब्द मुंह से निकाल निकाल कर। खड़ी शिरा ने अजर जे कहते शाना तेरा हिला हिला कर, ये बल तेरे सब निकाल देगा चरक पे तुझको चढ़ा चढ़ा कर। नहीं तो समझी भी कौन हूं मैं, क्यों डराते कसुए वहां वहां पर खड़ी है तुझसी बहुत दिया है सिरों को अपने चुका चुका कर। अरे ओ पापी, ना ये ढीतना खुद ही को अपनी बुला बुला कर, ना अपने आप को इतना साबित कर, किसी को इतना सतर्कता कर। यह कर खंडर अब भी समझ जा, मैं कहता तुझे जाना सुना कर, दरिंदों को अभी तोड़ दूंगा मैं तेरे मिटाले अपना परम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर, बता तू किसको डराता है ये खंजर दिखा दिखा कर। सीधे तू फूल है मगर तुम्हें फू नहीं। रावण, तू विद्वान है मगर तुझमें मनुष्यता का नाम नहीं। प्यारी, कि तेरे पहलू में भी एक पत्थर का टुकड़ा रखा होता जो हजारों वर्ष दिल से जिसमें लहू की जगह विष भरा हुआ है उससे अच्छा होता। बस बस, ओ पत्रकार जरा अपनी इस जुबान को थामो। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, अब तक एक भी शब्द अपने मुख से नहीं निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से कहा, जो कुछ तूने किया मैंने शरबत की पाती पिया, लेकिन कब तक और कहां तक। अरे
अरे ओ पापी, तू राजा होकर इस कदर अन्यायी न बन। मेरे न्याय की तो पूरे संसार में थाप है। जूं कहो, जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं आज ये मेरा खंजर बेकार क्यों हो रहा है, जबकि मेरी आन में विशिष्टता से बड़ा अहान हो रहा है। मेरा यह खंजर किसकी भी आज होगा प्राण लिए बिना वापस ना होगा। अरे और नीलज, यदि तू कुछ लज्जा वाला होता तो इतनी बातें सुनकर नाक डुबोकर मर जाता। आखिर तू भी तो बहु बेटियों वाला है, जब पर किसी ने ऐसे ही उठाकर पाला है। मैं अभी तेरा काम तमाम किए देता हूं। महाराज, जरा शांति से काम लीजिए। स्त्री पर हाथ रखना आप जैसे सूफी को शोभा नहीं देता। मैं सीता को जाऊंगी। बहुत अच्छा रहेगा, यदि तुम मेरा ये काम रहेगी तो मुझसे मुंह मांगा इनाम आएगी। अच्छा तो तुम इसे समझाना, मैं अभी चलता हूं। किंतु अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ कि यदि मैंने सारी उम्र में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो अगले जन्म में भी मेरे पति स्वयं विष्णु भगवान ही हो। Oh,
अरे भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे ना कोई जान है ना पहचान है। माता जी, मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हनुमान हूँ। अरे भाई, मगर मैंने तो कभी तुम्हें उनके पास आते जाते नहीं देखा। जरा सही से बताओ कि तुम कौन हो? इस संदेह माता जी, आपका कहना ठीक है। आपकी उपस्थिति में मेरी उब तक कोई रसाई ना थी। वो आपकी खोज करते समय हमारे राजा महाराज सुग्रीव को मिले। उनको उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी समय ये सेवक भी उनकी सेवा में आया। दूर दूर, अरे ओ कपट आत्मा, दूर। मैंने तुझको जान लिया, भली भांति से पहचान लिया। अरे दुष्ट, मैं वही समय था कि मैं धोखा खा गई, किंतु अब तो मैं तुम्हारे मिट्टी सूंघकर भी बता सकती हूँ कि तू वही रावण है। माता जी, आपको भी सच्ची बदगुमानी है, परंतु आपके एक प्रकार के लिए मेरे पास एक निशानी है। लीजिए माता जी, इस प्रणाम कीजिए और पहचान कीजिए। मेरे प्राण प्यार की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी। तुझको भी मेरी इस अवस्था पर दया नहीं आई, जो इतने काल के पश्चात मुझे अपनी शक्ल दिखाई। माता जी, इन बातों को जाने दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं तो भूल ही गई, यदि मैंने अंधविश्वास के कारण आपके दिल को दुखाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं नहीं माता जी, आप मुझे लज्जित ना कीजिए। कोई समय था जब मैं छोटे से छोटे काम के लिए भी शस्त्रों और भूषण पुरस्कार में दिया करती थी, किंतु हम मैं निर्धन हूँ, मैं तुझे क्या दे सकती हूँ? माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मैं देती हूँ, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ सहाय रहे सदा, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। जिस जगह राम की चर्चा होगी वहाँ नाम तुम्हारा भी होगा, जिस जगह राम समागम होगा गुणगान तुम्हारा भी होगा। माता जी, आप मुझे कोई निशानी बताइए ताकि मैं प्रभु को दिखा सकूं। बेटा, वैसे तो मेरे पास कोई निशानी नहीं, मैं आते समय सभी आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर फेंक आई थी। हाँ, मेरे पास केवल ये एक चूड़ा मणि है।
ये मेरे प्रभु को दिखा देना, वे देखते ही इसे पहचान जाएंगे। माता जी, कोई ऐसी बात बताइए जो आप और प्रभु जी को ही मालूम हो। हाँ हाँ हनुमान जी, एक बार प्रभु कुटिया में आराम कर रहे थे, कागासुर ने उनकी नींद खराब करनी चाहिए और आकर मेरे पैर पर चोंच मारने लगा। जब प्रभु की आंख खुली, उन्होंने देखा कि मेरे पैर से रक्त बह रहा है। प्रभु गुस्से में आ गए और उन्होंने तिनका उठाया और उसकी तरफ छोड़ दिया। कागासुर सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए सभी देवी देवताओं के पास गया, लेकिन उसकी जान किसी ने नहीं बचाई। तो उसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम प्रभु श्री राम जी के पास ही जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो फिर कागासुर प्रभु की शरण में आया और उनसे क्षमा मांगी, तो प्रभु ने उसकी जान बख्श दी और उसको एक आंख से काना कर दिया। ये बात मेरे और प्रभु श्री राम के बिना कोई भी नहीं जानता। तुम ये बात उनको बतला देना, वो तुम पर अवश्य ही विश्वास करेंगे। अच्छा माता जी, मैं बहुत दूर से आया और मुझे बहुत भूख भी लगी है, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस अशोक वाटिका से फिर फल खा लूं। हाँ बेटा, मेरी तरफ से तो तुम्हें आज्ञा है, परंतु ध्यान रखना इस वाटिका में बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, उनसे सावधान रहना। माता जी, इन तुच्छ राक्षसों का आप चिंता ही मत कीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो मैं अशोक वाटिका में जाती हूँ। Oh,
सारा बाग उजाड़ दिया।
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा।
परंतु जो तुझको कैरम नहीं आ रही है, अब इस तो चुकी है तेरे चुकाए से, कुछ दिनों में ना ये उठेगी तेरे उठाए से। हनुमान क्या प्राचीन संबंधों को भुला दिया? कदापि नहीं महाराज, बल्कि उन संबंधों ने मुझे यहां तक आने का अवसर दिया है। हनुमान हनुमान आपका मैं सारी वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से मदद के लिए। महाराज हनुमान आपका वैसे ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से मदद के लिए तैयार है, इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे दो चार वफादार और होते तो रावण का तो बेड़ा ही पार था। अच्छी वफादारी जिस बाली ने आपको पीसियों बार यहां कह दिया
सोच समझ कर बात कर। जब तू यहां पर कैद है तो मेरे हाथ से तेरा सियासत है। क्या तू यहां से जिंदा जाने की उम्मीद रखता है? जब किसी की बुरी करी आती है तो उसकी समझ भी उल्टी हो जाती है। रावण तेरा देख क्या फजूल है, शायद तू इसलिए उछल रहा है। तेरा पिता मेघनाथ मुझको पकड़ कर यहां लाया, नहीं मैं अपनी मर्जी से यहां आया हूं ताकि मैं तुझसे मिल सकूं। थोड़ा मैं जितना नरम तुमनी कभी सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदे तू मुझको ही बदला बदला रहा है। तेरे उमर विश्वों में गवा रहा है ताजमुए मुझ तो बेहुदा कहकर बुला रहा है। मुझे लगता है अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी। साहब जरा रह जाइए, उनका बात करना राजनीति के खिलाफ है। ये तो अपने मालिक की जवाब हो गया है तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? नहीं भाई ना, इनका कोई ऐसा दर्द हो जिसके लिए ये सारी उम्र पछताता रहे। हाँ ध्यान आया, बानर को सबसे अधिक प्रिय उनकी पूछ होती है। बेटा
जय हो।